हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगी। ये जो टॉपिक है ये है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में जो मैं आपको बताऊंगी। इसका जो रिस्पॉन्स होता है, इन दोनों में जो है रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसका जो रिस्पॉन्स है वो होता है डू और डाई, या फिर इसका होता है फाइट और फ्लाइट, ठीक है। और इसका जो रिस्पॉन्स होता है इसका होता है रेस्ट और डाइजेस्ट। अभी डू और डाई की जो सिचुएशन है, करो या मरो, फाइट और फ्लाइट, जहाँ तो एकदम से जो है आप फाइट करोगे या फिर जो है एकदम से ही बैठ जाओगे, तो ऐसे वाले जो रिस्पॉन्स हैं वो होते हैं आपके सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो इस टाइम पे क्या होएगा, हमारा हार्ट रेट क्या होएगा, इंक्रीज्ड, ठीक है। हार्ट रेट इंक्रीज होएगा और इसमें क्या होएगा, ये इसमें है रेस्ट और डाइजेस्ट। जैसे हमारा मतलब कि एक टाइम पे बॉडी जो है रेस्ट के लिए चली जाती है और खाने को जो है डाइजेस्ट करती है, तो इसी तरह से जो ये पैरासिम्पथेटिक में जो रिस्पॉन्स है वो ये काम करता है रेस्ट और डाइजेस्ट का। तो इसमें क्या होएगा, इसमें अगर हार्ट रेट जो है इंक्रीज है तो इसमें क्या होएगा, हार्ट रेट डिक्रीज, ये इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। इसमें जो होता है ये इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है, लेकिन ये क्या है, ये स्लो रिस्पॉन्स करता है। अभी आपने देखा होगा कि अगर हमको जो है कोई मारना चाहता है, जहां हम कोई भी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे जो है हम लोग कोई भी मतलब कि ऐसे डर रहे हैं, तो उसमें क्या इमीडिएट रिस्पॉन्स होएगा ना। तो इसमें जो है जब भी बॉडी कोई भी रिकवर कर रही है खुद को, जहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे है, तो वहाँ पे स्लो रिस्पॉन्स होएगा, ठीक है। यहाँ पे हार्ट रेट जो है इंक्रीज है तो हमारा बीपी भी क्या होएगा, इंक्रीज और इसमें डिक्रीज। अभी जो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे प्यूपिल्स होते हैं ना वो डायलेट होते हैं, और इसमें क्या होते हैं प्यूपिल्स, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जो इस टाइम पे प्यूपल्स होते हैं ना वो डायलेट करते हैं खुद को, कि हम लोग जितनी ज्यादा हमारी क्षमता होती है बॉडी की उतना ज्यादा हम लोग जो है देख सकें, हमारी मतलब सिचुएशंस, उस सिचुएशन से भागने के लिए या बचने के लिए ऐसा कुछ होता है। उसके बाद में जो हमारे यूरिनरी आउटपुट है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज, इसमें जो है इंक्रीज होती है। यहाँ पे जो हमारी रेस्पिरेशन है ये भी क्या होएगी, इंक्रीज, और इसमें क्या होएगी, रेस्पिरेशन डिक्रीज। साथ साथ में जो हमारी पैरास्टाल्सिस मूवमेंट्स होते हैं, ये क्या होंगी, डिक्रीज, और यहाँ पे थैंक यू।